फ्रेंड्स नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं पढ़ो। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कोर्स इज न्यूरॉन, इसे हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस एग्जामिनेशन। फ्रॉम दिस टॉपिक स्मॉल क्वेश्चंस एंड वेरी स्मॉल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, सो लेट्स मूव फर्दर। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज अ न्यूरॉन? न्यूरॉन जिसे हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वी से दैट इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, it is present huge numbers in our body, but that will not suffice us to provide a concrete definition of neuron. So when we define a neuron, we define it as a nerve cell that receives and sends electrical signal over long distances within the body. So when we define a neuron, we basically call it a nerve cell that receives and sends electrical signals over long distances within the body. So there are few point of focus in our definition here. First is that it is a nerve cell. Second, it receives and sends some signals, and these signals are electrical in nature, and these signals are transferred all over our human body. At the same time, it is also a functional unit of a neural tissue. So friends, यहाँ पर हमको दो चीजें देखनी है कि हमने न्यूरॉन को दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है या दो कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करने की कोशिश की है। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा एक न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जब हम एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे थे तब हमने उसके चार प्रकार पढ़े थे, उसके चार पार्ट्स पढ़े थे। पहला था एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू और चौथा था नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। तो एज वी नो, हम जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू और नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट, दोनों की बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन ही होती है, इसलिए हम इसे दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। और अनदर पिक्यूलियर थिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज न्यूरॉन के बारे में यह भी है कि हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। Now, finally, when we conclude our arguments towards the definition of neuron, जब हम अपनी neuron की definition के argument को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो we define neuron as a nerve cell, and this nerve cell has a very highly specialized characteristics, and those characteristics are that it is able to detect, receive and transmit different kinds of stimuli. Moving further, हम अब neuron की संरचना देखेंगे। So neuron basically, अगर हम इसको microscopic view, जब हम neuron को एक microscope के भीतर देखते हैं, तो इसके हम तीन पार्ट्स मुख्यतः देखते हैं। सबसे पहला होता है सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन कहते हैं इंग्लिश में, और कोशिका काय हिंदी में कहा जाता है। दूसरा पार्ट जो होता है वह होता है तुमिका यानी कि डेंड्राइट्स, और तीसरा पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, एक जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है शुरुआत में, जो ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रहे हैं, उसे हम डेंड्राइट या तुमिका कहते हैं, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रहा है जो न्यूरॉन की नर्व एंडिंग तक लेके जा रहा है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं यानी तंत्रिकाक्ष। और जो सेल बॉडी है, जो मेन एक आप देख सकते हैं डेंड्राइट से जुड़ा हुआ और एक्सॉन से जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है बीच में, उसे हम सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। न्यूरॉन हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, ये एक विशेष प्रकार का सेल है जो कि नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम को एक फंडामेंटल यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसमें जो एक सेल में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है इसमें भी पाए जाएंगे। यद्यपि हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनके भीतर का जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है, वो ठीक उस प्रकार नहीं होगा जिस प्रकार का हमने नॉर्मल सेल्स या सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। नाउ मूविंग फर्दर, वी विल डिस्कस द सेल पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज, पहला है साइटोन, सेल बॉडी। सेल बॉडी और साइटोन अगर हम देखें, तो जैसे पहले ही मैंने कहा कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मिलेगा और सेल ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे, और इनमें एक स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम निसिल्स ग्रेन्यूल कहते हैं, निसिल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो निसिल स्ट्रक्चर होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ये बेसिकली जो होता है एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जो राइबोसोमल फॉर्म में होता है, यानी कि राइबोसोम की तरह होता है, और देयरफॉर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ अ सेल। और राइबोसोम हम पहले भी जानते हैं, हमने अपने पिछले चैप्टर में भी, सेल वाले चैप्टर में भी इसे देखा है कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल। अभी जो सेल बॉडी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करता है? तो सेल बॉडी का जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन करता है, यानी कि इस उन सारे सेलुलर प्रोसेस से रिलेट करता है अपने आप को, जिससे सेल का जो ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। दूसरा जो होता है, इट रिसीव्स इंपल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स, और अब अगर ये इंपल्स को रिसीव कर लेगा डेंड्राइट से, डेंड्राइट जो होता है वो बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं,
वहां से एक न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एंटर करती है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर आएगी हमारे साइटॉन में। तो इसका फंक्शन जो हो गया वो हो गया कि इट रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स, और इसके साथ ही ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है इसको ट्रांसफर भी करता है ये एक्सॉन में, एक्सॉन जो अगला बॉडी पार्ट हम देखते हैं न्यूरॉन का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स अगेन दे आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, एंड इनमें भी जो निसिल स्ट्रक्चर होता है या जो निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं न्यूरॉन के अंदर, वो भी पाए जाते हैं। अब डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है हम पहले भी देख चुके हैं, डेंड्राइट्स जो है इट कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी कि जो साइटॉन है जो सेल बॉडी है उसकी तरफ जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर करने का प्रोसेस है वो काम करता है डेंड्राइट्स। देयरफॉर क्योंकि ये किसी चीज को सेल बॉडी तक पहुंचा रहा है, साइटॉन तक पहुंचा रहा है, इसीलिए हम इसको एफरेंट प्रोसेस कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो टर्म है एफरेंट, इसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, पिछले लेक्चर में भी देखा था जब मैंने कहा था कि हम इस टर्म को बहुत बार यूज करेंगे बायोलॉजी में। सो इट इज बेसिकली अ वेरी टेक्निकल टर्म, एंड इफ यू आर एबल टू यूज इट इन योर आंसर्स एंड इट विल प्रूव वंडर्स फॉर यू इन फेचिंग योर मार्क्स। तो अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो एफरेंट का हम एक बार फिर से अर्थ समझ लेते हैं। एफरेंट का मतलब ये होता है, एफरेंट प्रोसेस वो प्रोसेस होती है, एफरेंट का मतलब वह होता है जहां पर किसी चीज को किसी पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, और इसका उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं इफरेंट प्रोसेस। वहां उसका अर्थ यह होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को किसी पर्टिकुलर लोकेशन से ले जाया जाए किसी दूसरी लोकेशन तक। सो नाउ मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस एक्सॉन। एक्सॉन हम जानते हैं ये तीसरा पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है न्यूरॉन का। तो आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं एक्सॉन जो है एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं इररेगुलर नहीं है, ये प्रॉपरली बस समानता थिक ट्यूब है। और जो एक्सॉन है उसका जो एंड होता है, जो टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन का, वहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, और जो ये साइनेप्टिक नॉब होते हैं उनमें एक स्पेशल काइंड्स ऑफ केमिकल्स पाया जाता है जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब ये साइनेप्टिक नॉब और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं इसको भी आज हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। अब देखिए जो एक्सॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो एक्सॉन है एक ट्यूब है जो साइटॉन से एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स इट्स टर्मिनल एंड्स, जो खत्म हो रहा है आपका साइनेप्टिक नॉब पर जाके। इस बीच में आपको ये देख रहे होंगे कि कुछ कवरिंग बीच बीच में इन्हें मिल रही है जिन्हें हम कहते हैं माइलिन शीथ, और इन माइलिन शीथ के अंदर श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है। और जहां पर दो माइलिन शीथ ज्वाइन करती हैं उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो अगर हम एक्सॉन के टाइप्स को देखें तो दो प्रकार के हम बता चुके हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड वो होते हैं जहां पर श्वान सेल होते हैं, आप ब्लैक कलर का देख सकते हैं श्वान सेल, कुछ कुछ एक्सॉन में है कुछ एक्सॉन्स में नहीं है। तो जिस एक्सॉन में ये श्वान सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, जिनमें श्वान सेल नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड होते हैं वो आपको मिलते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं वो आपको मिलते हैं सोमेटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन का फंक्शन हम जैसे समझ चुके हैं कि डेंड्रॉइड जो है वो एफरेंट प्रोसेस से रिलेट करता है अपने आप को, तो एक्सॉन ऑटोमेटिकली इफरेंट प्रोसेस से रिलेट करेगा अपने आप को। इफरेंट प्रोसेस से क्या अर्थ है, इफरेंट प्रोसेस से अर्थ वह है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी चीज को हटाकर किसी दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने का काम करने वाली प्रोसेस को हम इफरेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो मूविंग फर्दर वी विल नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को हम अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क दे परफॉर्म वी कैन क्लासिफाई न्यूरॉन इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, जिसे हम हिंदी में संवेदी तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। द सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन, जिसे हम मोटर तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। और जो तीसरा है वह है इंटर न्यूरॉन, जिसे हम रिले तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन को इंग्लिश में भी रिले न्यूरॉन ही कहा जाता है, और ये रिले न्यूरॉन हम देख ही चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में जहां पर हमने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को समझा था। तो हम देख लेते हैं एक एक करके ये क्या होते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये जो इम्पल्स है उसे कंडक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी कि
जो वेरियस रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं आपके, जैसे कि आपका स्किन हो गया, आईज हो गया, इन सभी रिसेप्टर ऑर्गन से जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, तो रिसेप्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका कोशिका। और आप हम ये भी जानते हैं कि जो डेंड्राइट्स होते हैं सेल न्यूरॉन में, सेल बॉडी न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वही मॉडिफाई होकर रिसेप्टर्स बनाते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन है, हम देखते हैं मोटर न्यूरॉन क्या होता है, तो जो मोटर न्यूरॉन है दे कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स, इफेक्टर ऑर्गन्स हम अपना, अब ये बहुत ही बेसिक चीज है, हम इसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे मसल्स और ग्लांड्स तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। सो द थर्ड वन इज द रिले न्यूरॉन और द इंटर न्यूरॉन। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है इनको कनेक्ट करने का जो काम करता है उसे हम रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हैपेंस इन अवर बॉडी। तो हम एक न्यूरॉन को लेंगे, एक न्यूरॉन में किस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करती है। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन है बाहर के एनवायरनमेंट से उसको डिटेक्ट करता है द टिप ऑफ डेंड्राइट्स, एफरेंट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो जो टिप ऑफ डेंड्राइट्स हैं दे आर बेसिकली रिसेप्टर ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑर्गन्स में वो लोकेटेड होते हैं डेंड्राइट्स, और वहां से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो डिटेक्ट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को। नाउ व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय डेंड्राइट, जब ये इंफॉर्मेशन डेंड्राइट द्वारा रिसीव कर ली जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, और यह केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पैदा करता है। तो डेंड्राइट के भीतर एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है जैसे ही इंफॉर्मेशन वो रिसीव करता है, और यह केमिकल रिएक्शन जो है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को शुरू करता है। सो वी कैन से दैट द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द न्यूरॉन और विद इन द नर्वस सिस्टम इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर का जो कंडक्शन इंपल्स होता है वो कंडक्ट होता है। फिर क्या होता है, जो इंपल्स होती है वो डेंड्रॉइड से साइटॉन तक जाएगी, साइटॉन से एक्सॉन तक जाएगी, और एक्सॉन से साइनेप्टिक नर्व यानी कि जो टर्मिनल एंडिंग ऑफ एक्सॉन है वहां तक पहुंचेगी, जिसे हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं। अब देखिए, जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के अंत में आप देखते हैं जो साइनेप्टिक नर्व होती है वहां पर जब इंपल्स पहुंच जाती है तो ये फिर से एक केमिकल रिएक्शन शुरू करती है, और ये जो केमिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो साइनेप्टिक नर्व में होते हैं वो उस केमिकल को जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, जिसको हम दो न्यूरॉन के बीच का अंतराल कहते हैं, उसको साइनेप्सेस कहते हैं, उसको क्रॉस करता है, करने में मदद करता है। और ये जो साइनेप्सेस गैप है इसको क्रॉस करने के बाद जब जो केमिकल रिएक्शन है वो अगले डेंड्राइट्स तक पहुंच जाती है, जो केमिकल्स हैं वो अगले डेंड्राइट तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर फिर से एक केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करता है, वह केमिकल रिएक्शन फिर से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनिशिएट करेगा, और वह इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल करेगी साइटॉन से एक्सॉन से साइनेप्टिक नॉब तक, साइनेप्टिक नॉब में फिर से एक केमिकल रिएक्शन शुरू होगी जो केमिकल्स को, जो इंफॉर्मेशन को केमिकल के फॉर्म में साइनेप्सेस यानी कि जो दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है उसको पार करने में मदद करेगी और अगले न्यूरॉन तक पहुंचेगी। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन अवर बॉडी, जो नर्व इम्पल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर की इम्पल्सिस होती हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल करती हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर से जो इम्पल्स है वो नीचे आएगी, उसके बाद जो साइनेप्टिक नॉब है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पहुंचेगी, और यहाँ पर पहुंचने के बाद एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर देगी, और ये वाला जो गैप है इसे हम साइनेप्सेस कहते हैं। ये केमिकल्स जो हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये केमिकल्स जो हैं साइनेप्सेस को क्रॉस करेंगे, और ये जो अलग है जो रिसेप्टेंट न्यूरोन है यहाँ पर जो है दोबारा से केमिकल्स पहुंचकर एक फिर से एक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स का जो रिएक्शन है वो शुरू कर देगी। थोड़ा टिपिकल डायग्राम आप देख सकते हैं, तो ये रहा हमारा एक्सॉन, ये हमारा रहा एक्सॉन टर्मिनल, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आप न्यूरोट्रांसमीटर्स देख सकते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं केमिकल्स रिलीज करेंगे, ये रिलीज कर रहे हैं, और ये जो गैप है जिसे हम साइनेप्सेस कहते हैं ये केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं ये हेल्प करेगा जो इम्पल्स है उसको अगला न्यूरोन में या रिसेप्टर न्यूरोन में पहुंचने में। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम।
So if you have any question, feel free to ask in the comment section. And yes, if you have any suggestion, please, we are open to it. And please do subscribe to our channel and like and comment and share.